For some little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. क्या कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा व्लॉग है ना, ये बहुत एक इन्फॉर्मेशन भरा है। ये एक दिन का व्लॉग नहीं होगा, इसके शायद 2-3 पार्ट आए, तो कोई पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि हर पार्ट में एक एडवेंचर है और इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो यहाँ आज हम जा रहे हैं, हमारा एक लंबा लॉन्ग रोड ट्रिप है हमारा, तो यहाँ से डबलन से कह लेंगे 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमें नाश्ता वगैरह अभी हमने किया नहीं। मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ, साथ ही मैंने उठ के बस अमाद को पहले पिक किया है, तो अमाद को पिक करके अब हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो ये रुकेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर आपको भी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर छोटे ब्रेक के बाद। जी, तो भी हमने एक स्टॉप पर रुके हैं टेल शेड लगवाने के लिए, टैंकी फुल करवाएं सारा, और अब देखते हैं अंदर में कुछ कॉफी शॉफी लेते हैं, साथ में कुछ टेस्ट वगैरह मिल के तो ले लेंगे, क्योंकि भूख से भी हाल बहुत टाइट है। तो ये पाकिस्तान में हम है नहीं है कि नाश्ते के लिए आपको बहुत कोई पाइश शायद निहारियाँ, कोई नान चने, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, पर देखते हैं कोई रोल शोल तो हमें मिल गया अंदर टैली से तो खाते हैं। जी, तो पेट्रोल डलवा लिया हमने, टैंकी फुल करवा लिया आपके भाई ने, तो दिल था कि कॉफ़ी अच्छी से कॉफ़ी मिले मुझे, पर वो अंदर थी मशीन की कॉफ़ी, वो उसका जायका कोई नहीं है, क्योंकि उनके जो बीन्स वो यूज़ करते हैं मशीन वाली कॉफ़ी में, वो चीप क्वालिटी के होते हैं, तो उनका फ़ायदा ही नहीं है। तो कोई रोकने के लिए अच्छी जगह पर जहाँ से आपके भाई को भी अच्छी कॉफ़ी मिल जाए और साथ में कुछ खाने पीने का भी कुछ लवाजमात हो, तो फिर ये स्टे ट्यून, चेक करो वो बाहर के, दिखाओ ना नज़ारे कितने प्यारे हैं। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया है, रुके हैं स्टॉप पर, रुके हैं कोस्टा के बाहर कि नाश्ता वगैरह करें, कि भूख से हाल बहुत टाइट है, अब मज़ीद खाली पेट काम नहीं होगा, ड्राइविंग नहीं होगी, तो ये चलते हैं कोस्टा कॉफ़ी के अंदर जाके कुछ कॉफ़ी शॉफी लेते हैं और कुछ खाने पीने के लिए, तो आ जाए चलते हैं अंदर। जी, कॉफ़ी ले ली हमने, कॉफ़ी ली है, लाते साथ में लिया एक प्लेन पास्ता, ये तो अंदर कुछ हमारे लिए हलाल था नहीं, सैंडविचेस थे वो हमारे लिए नहीं थे, वो इन गोरों के लिए थे, तो अफकोर्स हमने वो नहीं लिए। अब ये बस एक ये पास्ता इंजॉय करते हैं, एंड्रॉय इतना खास नहीं है, बस गुजारे ला के कह लें कि जो भी मिले, या जो भी मिले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नॉट बैड, सही है, यहाँ पे मुझे भूख लगी है, गुजारे की बात है ना, फिर गुजारा हो जाता है, लंबा सफर है हमारा, रुक जाएंगे फिर से कहीं कुछ, आई विल डेफिनेट रुकेंगे ताकि प्रॉपर नाश्ता कर सके, अभी तो कॉफी पी, अभी थोड़ी देर तक टॉयलेट में आना है, तो ना पड़ना ये ट्राई करें, नो हम नाश्ता वगैरह कर लें, आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। जी, तो अब हम नाश्ता करके बैठे हैं गाड़ी पे और अपना सफ़र जो आगे शुरू करते हैं, और यहाँ से भी इस वक्त मौजूद है कैवन में, तो कैवन से भी मज़ीद 2 घंटे की ड्राइव है, तो ये अल्लाह ख्याल कर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको दिखाते हैं साथ साथ मज़ीद क्या पे व्यू जुआएँगे, और आपको दिखाते रहेंगे हम स्टॉप ले लेके, सो स्टे ट्यून। Make memories, make friends. Every day can be the best day ever. जी, तो अभी हम एक रुके हैं जगह पे, क्योंकि जगह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी जगह है, तो इसलिए मैं यहीं पे रुका हूँ आपको दिखाने के लिए व्यू, कि व्यू चेक करें, व्यू कितना प्यारा है।
मुझे बहुत प्यारी लगी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ आपको भी दिखाने के लिए। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा व्यू ये। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डेवलिन रोड में। तो निकले तो हम आयरलैंड से थे, डबलिन से निकले थे, और ये जो जहाँ पे सारा मौजूद हैं ये आती है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब अगले बस सफ़र शुरू करते हैं और बढ़ते अपनी मंजिल की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फिर उसके स्टॉप लिया हमने एक और, क्योंकि हम पहुँचे हैं वेलकम टू डानेगोल का साइन आया, तो देख के अच्छा लगा हमें कि अब हम आ गए डानेगोल में। और व्यू यहाँ भी अच्छा है, फिर तो सामने छत भी नीचे आपकी बाइक की ड्राइव कर करके मैं थोड़ी ब्रेक भी ले लें। और अब हम अपनी मंजिल से कह लें कि हम डानेगोल सिटी से ऑलमोस्ट कह लेंगे बस 30 मिनट्स और दूर हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं डानेगोल सिटी में, और आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का भी, प्यारा है, नाइस है। और अब हम वापस अपने आइलैंड में आ गए हैं कि काउंट जो डानेगोल है ये आइलैंड में है, कि बीच में जो सफ़र आता है ना इसका, डबलिन से आप जाते हैं डानेगोल को, तो जो बीच में आप पार्ट आता है वो यूके का हिस्सा था, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि हम यूके में आ गए हैं, जो डेल्फिन रोड थी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था ना, डेल्फिन रोड ही थी। तो ये अब हम वापस अपने मुल्क अपने कंट्री में आ गए हैं, बहुत अब कंफर्टेबल फील भी हो रहा है। ठीक है, अब इंशा चलते हैं आगे मजीद और आपको मिलते हैं डानेगोल सिटी आके। जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं डानेगोल टाउन में, टाउन सेंटर में। आप देख सकते हैं मेरे अराउंड शॉप्स हैं, शॉप्स ही शॉप्स हैं। और अभी आपको थोड़ा टाउन में दिखाता हूँ, उसके बाद जो हमारी अगली मंजिल है वो है बटन पॉट। तो थोड़ा टाउन दिखाने के बाद आपको डानेगोल का, फिर हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, वो भी यहाँ से डानेगोल से कह लें कि आप 1 घंटे 20 मिनट की ड्राइव है, तो गुड भी ड्राइव वो भी है, तो कोई नहीं करते हैं इंशाल्लाह। आपको थोड़ा टाउन दिखाते हैं, चलते हैं। यहाँ पर मोस्टली शॉप्स हैं सारी टाउन में, सामने एक होटल है द एबे होटल, बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एबे होटल के साथ ही है एक और होटल सेंट्रल होटल, और उसके बाद उसके साथ द बैंक आगे, इसके अराउंड बार्स काफ़ी हैं टाउन में, बार्स हैं। उसके बाद साथ ही वहाँ पे अपाची पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा शॉप है, और उसी साइड पे बैंक ऑफ आयरलैंड है, बैंक है, और रेस्टोरेंट तो बाहर ही हैं मोस्टली टाउन में ना, अराउंड कपड़ों की शॉप्स हैं, बुटीक्स वगैरह। तो इतना कुछ खास है नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा टाउन है डाने के काउंटी डानेगोल जो है, ये बड़ी कोई सिटी नहीं है। तो सो फार ये इतना कुछ ही है, तो उस पर चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे बटन पॉट पे, वहीं मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे। और अगर बीच में कुछ हमें नाइस लगा आपको दिखाने के लिए, फिर आपको वो दिखा देंगे हम। सो स्टे ट्यून्ड। जी तो रास्ते में एक और बहुत प्यारा व्यू नज़र आया, यहाँ पे हमने गाड़ी फिर स्टॉप की है और आपको दिखाते हैं प्यारा सा व्यू, देखें आप भी, इतनी प्यारी जगह यार ये। और पीछे विंड मिल्स भी हैं अगर आपको नज़र आ रही हो, बहुत प्यारी जगह है, कितना ये पुरसकून जगह है, बहुत मज़े की जगह यार ये, मैं बता नहीं सकता। स्पेशली वो जो व्यू है, वो जो क्लिप्स हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह, अपने अपना सफ़र शुरू करते हैं बटन पॉट की तरफ, तो फिर अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम रुके एक और जगह पे, क्योंकि पीछे व्यू बहुत प्यार था, कि व्यू देख के आपके भाई के दिल ने कहा कि बस यहाँ पे ब्रेक मारो और अपने व्यूअर्स को इसका व्यू दिखाओ, कि बहुत प्यारी जगह है, इतनी पुरसकून है। क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे डानेगोल टाउन से हम निकले हैं, तो ये तो आगे जब हम जिस जगह हम जा रहे हैं बटन पॉट पे, लिटरली आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, क्वाइट है, क्योंकि ना यहाँ कोई इतनी आबादी है ना कुछ और, गिनती की आपको एक दो शायद गाड़ी नजर आएंगी रोड पर चलते हुए, क्योंकि डेड टाउन है, डेड जगह है,
और ये व्यू बहुत प्यार था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका था। थोड़ी आगे बढ़ के टांगे स्ट्रेच हो गई, थोड़ा मज़ा आ गया। तो चलते हैं इंशाल्लाह, तो चलते हैं आगे और मज़ीद अपने सफ़र की तरफ, बटन पोर की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपनी मंजिल में पहुंच गए, पर हमारी अभी मंजिल से थोड़ी सी और आगे है। इस वक्त हम मौजूद है बटन पोर पे, तो आप देख सकते हैं बहुत प्यारी जगह। यहाँ पे आने का मकसद जो था ना, मेरा जो पर्पस था वो आपको पता होगा, एक स्कीम आई है ओवर लिविंग्स आयरलैंड पे, ओवर लिविंग्स आयरलैंड। तो इसीलिए आपका भाई डबलिन से इतनी दूर तक तो यहाँ तक पहुँचे हम, और अब यहाँ से भी हमने फेरी, क्यों यहाँ से फेरी जाती है ठीक है, ऊपर फेरी इस टाइम जा नहीं रही, सो उनकी टाइमिंग सो इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो होगी अवेलेबल। तो अब हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट हायर की है, तो शुक्र अल्लाह का वो बंदा मान गया, क्योंकि इस टाइम पर आपको पता घोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी टाइमिंग को लेके, पर ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए उसको तो मान गया तो वो लेके जाएगा हमें एनामोर आयरलैंड, जहाँ पे ये स्कीम निकली हुई है। वो जो स्कीम है एनामोर आयरलैंड, जहाँ वो इस टाइम लोग लगता है कि पता नहीं कोई फ्री घर मिल रहे हैं, क्या स्टोरी है, तो आपको सारी कहानियाँ बताऊँगा ठीक है। तो बस जुड़े रहें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको बहुत कुछ बताना है मैंने, तो मैं आपको बाकी सारी डिटेल इसकी दूंगा इंशाल्लाह बोर्ड पे या तो फिर एनामोर में। जी तो इस वक्त हम जा रहे हैं एनामोर आइलैंड में, तो प्राइवेट बोर्ड आपके पहले हायर किया, तो ये लेके जा रहे हैं। अब नोट शोर क्या मेरे पास क्लियर आ रही है कि नहीं यार, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, तो आपको दिखाता चलो। पानी से बहुत डर लगता है समुंदर से, स्पेशली ये आज मैं फर्स्ट टाइम है, कल दफा मैं ये रोड पे ऐसे के बैठा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ये अब चलते हैं आपसे इंसान मिला तक करते हैं एनामोर आइलैंड में। तो ऐसा तो वो थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ को गिरा रही कि नहीं आ रही, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। Don't leave with any regrets. Take a trip to London or LA. Make memories, make friends. Every day can be the best day ever. Don't stay home wishing the weather was better. Let's remember these moments. To ji alhamdulillah Allah ka shukr hai is waqt hum maujood hain Aramore Island mein। यहाँ पे नहीं, वजह जो थी ना आपके भाई की स्पेशली वो ये थी, आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली यकम जुलाई को एक आयरलैंड की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है ओवर लिविंग आयरलैंड, और काफ़ी लोगों को स्पेशली पाकिस्तान में मिसगाइड किया गया है मेरे ख्याल से जितना मुझे पता लगा है। तो इसीलिए आपका भैया सुबह से निकला है, और अब मैं पहुँचा हूँ एनामोर आयरलैंड में, क्योंकि मुझको मेरे जो मुझे बात पता लगी थी ना कि जी बताया जा रहा है लोगों को कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पता नहीं कौन सी खुशखबरी दी जा रही थी उनको, क्यों उनको अंधेरे में रखा जा रहा है, क्यों उनको मिस गाइड किया जाता है। एनीवे तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, अपने मीन्स के जो लोग हैं जो इसको मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें पता लगे इसकी हकीकत क्या है, वो हकीकत बताने के लिए आपका भाई इतनी दूर आया है। तो इसकी जो हकीकत है वो ये है, ये सच है कि जी आपको 80,000 यूरो जो है वो गवर्नमेंट देगी, पर वो इतना आसान नहीं है, वो एवं नहीं मिल जाएंगे, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से आ गए हैं तो जी आपको वीज़ा भी मिल गया आयरलैंड का, और आप आके यहाँ पे घर बाय कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट घर भी दे रही है, 80,000 यूरो भी दे रही है, तो ये सब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो असल कहानी है वो ये है कि
ये और ये आप देख सकते हैं ये हम बोट लेके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई रोड नहीं है कि आप बाई ड्राइव यहाँ पे आ सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस एडनमोर आइलैंड में जो आबादी है ना, टोटल 300 से 400 लोग रहते हैं, बस 300 से 400 लोग, इससे ज़्यादा नहीं है। 300 से 400 लोग आबादी है यहाँ की। और जो स्कीम है वो इसलिए इन्होंने निकाली है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि लोग आके रहें, अपने घर बार बनाए और यहाँ पे मूव हों। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है जो लोग यहाँ पे आ जाएं। और ये नहीं कि वो गवर्नमेंट घर फ्री देगी, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है आपको जो घर लेना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी आपने खुद बाय करनी है, प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे घर है, लैंड आपने खुद बाय करनी है। और वो घर जो है वो 1993 से पहले के बने हो और पिछले 2 साल से वहाँ पे कोई ना रह रहा हो, मीन्स के इन सिंपल वर्ड्स कह लेंगे भूत बंगले हैं, ठीक है। अभी आपको घर दिखाऊंगा, वो अभी आपको घर दिखाता हूँ, जो घर हैं जैसे घर हैं वो, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं वो भी। अब बल्कि आपको लेकर चलता हूँ मैं भी साथ साथ ना, आपको मैं दिखाता हूँ घर जो ऐसे हैं। तो जी जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं घर है, तो ये उसके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह के घर हैं, ठीक है। वो इस तरह की हालत होगी उन घरों की, रूफ उसकी टूटी हुई है, फ्रेम उसके जो विंडो के बेड़ा घर का हुआ है। तो ये उसके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह के घर हैं जो आपको ख़रीदने हैं, ठीक है। अपने पैसों से ख़रीदने हैं आपने, उनको ख़रीद के आपने उनको रेनोवेट करना है, उनको रिफर्बिश करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे रहना भी है, ये नहीं कि उनको रिफर्बिश करके निकल दिए आपने, अपने घर रेंट पे चढ़ा दिए हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रहना है आपने, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपको 80,000 देना है कि नहीं देना। तो ये ऐसा नहीं है कि बस अब यहाँ पे आ गए हैं, घर आपने रिफर्बिश कर लिया और चले गए हैं, ये वो, इतना आसान कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तानी को जैसा कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे आए तो पाकिस्तान की बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट घर भी देगी, वीज़ा भी दे रही है, पैसे भी देंगे आपको 80 से 90 हज़ार यूरो, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आसान ही वीज़ा, कि आपको एक सिंपल से रियलिस्टिक होकर सोचें आप ज़रा कि किस बेस पर यहाँ पे आएंगे, आइलैंड अगर आप आते हैं किस बेस पे आएंगे, किस कौन सी वीज़ा कैटेगरी में आप आएंगे। अगर आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आप तो विजिट वीज़ा अगर आप आते हैं तो यहाँ पर तो आप कुछ ना तो काम कर सकते हैं ना कुछ छोड़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट को आप भी ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे बाई करेंगे स्टूडेंट वीज़े में, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं वीक में, और 20 आवर्स अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप कह लें वीक का 200-250 मैक्स, अगर आप थोड़ा छुपा के कहीं काम कर रहे हैं तो 300 वीक, विच इज़ लाइक 1200 यूरो मंथ। तो 1200 यूरो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कमाता है तो 1200 से रेंट भी पे करना, ये वो सब कुछ। तो आप पहली बात है स्टूडेंट तो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि वो किसी का बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ का लीगल होना चाहिए, आपको यहाँ का स्टेटस हो, आप यहाँ के नेशनल हो, स्टैम्फोर्ड हो, यहाँ का पासपोर्ट हो, या किसी और यूरोपियन कंट्री से आप आए हैं तो ये यहाँ के घर बाय कर सकते हैं। पर अगेन वही बात, आपने ये घर अपने पैसों से बाय करना है, और 1993 पुराने 1993 से पहले वो घर बिल्ड हुए हो और पिछले 2 साल से वहाँ पे कोई ना रह रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई घर बना हुआ 1994 में तो वो आपने ले लिया, तो उस पर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ उस पर गवर्नमेंट लुकआफ्टर नहीं करेगी आपकी। वही बात दोबारा कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपने खुद बाय करनी है, ठीक है। और ये ऐसे घर होंगे, घरों की हालत देख ली है आपने, लिटरली ये भूत बंगले हैं और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 300 से 400 लोग रहते हैं जैसा मैंने बताया आपको, और कोई भी यहाँ पे बाय रोड कुछ भी नहीं आपको, मैं हम बोट लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक दो बार हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं लोग, टूरिस्ट आते हैं इस जगह को देखने के लिए, इस एडनमोर आइलैंड को देखने के लिए। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ना तो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट सर्विस बिल्कुल नहीं है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे हलाल खाने बिल्कुल नहीं है, हलाल फूड बिल्कुल नहीं है, आबादी नहीं है यहाँ पे, तो हलाल फूड कहाँ से मिलना है कि 300 से 400 लोग हैं यहाँ पे। तो ये प्लीज़ ये आप पॉइंट से नोट कर लें, ना तो यहाँ पे हलाल फूड है, ना ब्रॉडबैंड है। और जो आपको पैसे मिलने हैं 80,000 यूरो, अगर वो देखेंगे कि यस आपने जो घर जो ये ठीक ही है इसको बनाया है, तो वो आपने वो जो 80,000 पैसे आपको मिलने हैं वो भी आपने घर पर ही लगाने हैं। ये नहीं कि आप वो 80,000 लेके कहीं और सोचें उनको लगाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होना। और दूसरी बात, जैसी ये स्कीम निकली है
1 जुलाई को मीन्स के 10 दिन पहले इस स्कीम का गवर्नमेंट ने ऐलान किया आयरिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद यहाँ पे पुराने पुराने घर थे, फॉर एग्जांपल अगर पहले इनकी प्राइस जो थी 50,000 यूरो थी, तो अब उन्होंने थोड़ी बढ़ा भी दिया है, तो उन्होंने वो कह लें कि 30 से 80,000 की यूरो कर दी है, 30 से 40,000 उसके पैसे बढ़ा दिए हैं। जो 50 की मेरी थी, अब यहाँ के जो हैं ऐसे ग्रुप के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्कीम निकले शायद लोग यहाँ पे आएँ मूव हों तो बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये सो फर ही कुछ है। तो प्लीज़ इस आप मैं इसलिए इतनी दूर आया हूँ, आप सबको जो चीज़ें स्पेशली पाकिस्तान में लोगों बताई जा रही थी ना कि पता नहीं क्या कर दी आयरलैंड, ऐसी कौन सी चीज़ निकाल दी है कि कौन सी स्कीम निकाल दी, बड़ी खुशखबरी कह के लोगों बताया जा रहा था। तो प्लीज़ ऐसा कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा जिससे आप अपना मालिक नुकसान कर बैठें। इसीलिए आपके भाई आज कहाँ से डबलिन से उठ के इधर आया हूँ, और मुझको तकरीबन मुझको 7 से 8 घंटे लगे हैं, 7 to 8 hours। किस लिए किया? सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि मैं ये व्लॉग जो है ये मैं घर बैठ के बना सकता था अपने ड्राइंग रूम में, पर आपके बने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, आपको जगह दिखाऊँ, घर की हालत दिखाऊँ, और स्पेशली आज मैंने इतना डिस्कूट है ना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। आज फर्स्ट टाइम आपके भाई ये बोर्ड पे बैठ के मैं आया हूँ, और मेरी तो जो है टांगे वो लिटरली काम भी रहते हैं कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। ये सब कुछ मैंने आप सब के लिए किया है, आपको मींस के अगर कोई आपको अंधेरों में जो आपको हरे भरे बाग दिखा रहे थे ना, वो आपको रियलिटी मैंने बताने के लिए आपका भाई आज यहाँ पर आया है। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है एक अच्छी बात फैलाना भी एक सदका जारी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग जो हैं वो अपना माली नुकसान कर दें, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, कोई चीज़ पे अपना घर वगैरह गिरवी रखवा के उसको बेच के वो चीज़ इधर आ जाएं कि जी यहाँ पर गवर्नमेंट हमको 80,000 यूरो भी दे रही है, घर भी दे रही है। उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो यहाँ की एक वेबसाइट है gov.ai, ठीक है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो अब लिंक खुद पढ़ भी सकते हैं। और अगर जिन लोगों को आई नो, मुझे उम्मीद है कि सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको इंग्लिश समझ आ भी जाएगी, अगर कुछ लोग इंग्लिश पे वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो उसको कॉपी करें, उस पूरे पैराग्राफ को जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा उसको कॉपी करें लिंक को पूरे, और गूगल में जाके लिखें इंग्लिश टू उर्दू, और वहाँ पर वो पेश कर दें, तो आपको वो गूगल जो है वो खुद ही सारी ट्रांसलेट उर्दू में भी कर देगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, क्योंकि ये अच्छा मैसेज है, सही मैसेज है कि मैं आपको किसी किस्म का कोई मैं अंधेरे में नहीं रख रहा। इसीलिए सही आपके बने ये 8 घंटे की जो है ना वो सफ़र किया सारा दिन। तो आप भी एक घर आपको मैं ये दिखाया है, एक घर आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ये सामने है घर है वो ये है आपके सामने। तो ये हालत है इसकी, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो ये आपने खुद बाय करना है। तो मैं दोबारा आपसे बात करूँ, आपने खुद ये घर पहले बाय करने हैं, ये नहीं कि बस आपने ये आपको घर फ्री देंगे गवर्नमेंट, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद बाय करने हैं आपने ऐसे घर। तो जी अब हम चल रहे हैं अपने बोर्ड को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है पूरा, टाइम थोड़ा हमारे पास शॉर्ट भी है, शाम भी हो रही है, तो जो क्योंकि जैसे मैं बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली फेरीज आती हैं, वो बिग जो फेरीज होती हैं ना, जो बड़ी जो होती हैं जिनकी आप गाड़ी भी लेके आ सकते हैं बोर्ड उस फेरी में, तो पर ये मैंने स्पेशली इस बंदे से रिक्वेस्ट की थी, तो पर अभी उसको हायर करके हम एक्स्ट्रा पैसे दे के, ठीक है, ये उसको मनाया हमने तो ले आया है। तो बस अब मिलते हैं आपसे बोट में जी। तो बोट पे हम बैठने लगे हैं, तो वापस जाएंगे बटन पोर्ट जहाँ से हम आए थे ये बोट लेके, और ये बोट ने हमें बटन पोर्ट से हमें यहाँ तक इसलिए लगाए थे हमें 10 से 15 मिनट, और अगर फेरी पे आते हैं तो आपको 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, वो तो स्लो होती है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।